नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या महाराष्ट्र के बाद बीजेपी झारखंड में सरकार बनाएगी, ऐसा सवाल उठ रहा है। और अब ये सवाल उठा रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब देखिए, महाराष्ट्र में हाल फिलहाल बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ऐसे में ममता बनर्जी का ऐसे बातें करना बहुत कुछ संकेत देता है। ऐसे तो ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहती है, तंज कसती है। ऐसे में अब वो इतनी बड़ी बात क्यों कह रही है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। 2024 चुनाव को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की है। ममता बनर्जी ने कहा, निश्चित है कि बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। ममता ने आगे कहा कि उनको यानी बीजेपी के पास कोई काम नहीं, उनका काम 3-4 एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में लेना है। उन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा किया, अब झारखंड में कोशिश चल रही है, लेकिन बंगाल नहीं, बंगाल उन्हें हरा देगा। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहां आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। अब यहां ममता बनर्जी ये बात कर रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ये कह रहे हैं कि टीएमसी के 38 विधायक उनके संपर्क में है। खैर, आप ममता बनर्जी का ये बयान भी सुनिए। एवं और कोनो काज नहीं, 3-4 एजेंसी के दिए गवर्नमेंट के जब्द करो, स्तब्ध करो। महाराष्ट्र भेंगे, छत्तीसगढ़ भांगबो, झारखंड भांगबो, बांगला हमें हारिए दिए, बंगाल को भी भांगबो। आमी बोललाम अत सस्ता नय, बांगला भांगते गेले रॉयल बेंगल टाइगर के आगे लड़ो। ममता बनर्जी ऐसे तो बंगाली में कह रही है, लेकिन हमने ऊपर आपको बता दिया कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगे उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। भारत में बेरोजगारी 40% बढ़ रही है, लेकिन बंगाल में 45% कम हो गई। आज मीडिया ट्रायल चल रहा है और वे लोगों को आरोपी कह रहे हैं, वे सिर्फ बंगाल की छवि खराब करना चाहते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर भी काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि किसी एजेंसी के कामकाज से परेशानी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ। अब यहाँ ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, अब झारखंड की तैयारी की जा रही है। अब ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे की वजह भी आपको अच्छे से बता देते हैं। दरअसल पहले बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे एक शर्त लेकर आए कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी से रिश्ता तोड़ना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात नहीं मानी और उनके हाथ से सत्ता चली गई, और अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अब बात करते हैं झारखंड की। दरअसल झारखंड में अभी JMM, राजद और कांग्रेस की सरकार है, और खबर ये आ रही है कि राजद नेता भोला यादव को CBI ने नौकरी के बदले जमीन और IRCTC स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है। इस कारण से ममता बनर्जी ने तंज कसा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब बीजेपी ही करवा रही है। वही बंगाल की बात करें, तो ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। ED ने स्कूल के नौकरियों संबंधित कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया है। एजेंसियों ने उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया था। ED ने अर्पिता के ठिकाने से 21 करोड़ रुपए की नकदी जब्त करने का दावा किया है। और अब इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ममता बनर्जी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।